हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न विथ मी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश वर्कशीट और ये इसका पार्ट टू है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, नहीं देखा है तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। नर्सरी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नर्सरी क्लास के बच्चों को डेली प्रैक्टिस आप कैसे करा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको उन्हें इंक्लूड करके देना है और उनकी प्रैक्टिस करानी है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कलर द सिमिलर अल्फाबेट। यहाँ पर हमें कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं एंड इनके सामने जो सर्कल्स हैं इनमें भी हमें क्या करना है, सेम अल्फाबेट को फाइंड करना है और उस सर्कल को कलर करना है। तो यहाँ पर आप ऐसे अल्फ़ाबेट ले सकते हैं जिन्हें कि आइडेंटिफाई करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कंफ्यूज होते हैं, तो वहाँ पर आप इस वर्कशीट को बनाकर और उन अल्फ़ाबेट्स को लिख दीजिए जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और उनकी प्रैक्टिस कराएँ। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करने में। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है लेटर बी, तो इसके सामने जो सर्कल बने हैं इनमें भी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है, जिस सर्कल में सिमिलर लेटर यानी कि लेटर बी है उसे कलर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर है, इस वाले सर्कल में लेटर बी लिखा हुआ है तो इसे हम कलर कर देंगे। आप बच्चों को क्रियॉन या फिर कलर पेंसिल दे सकते हैं, उससे बच्चे कलर करेंगे। बच्चों को भी कलर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद यहाँ पर इस वाले सर्कल में है लेटर बी तो इसे भी हम कलर करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट लेटर मैंने दिया है ई, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से सर्कल में लेटर ई है उसे हम कलर कर देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर है लेटर एच, तो इसके सामने वाले जो सर्कल्स हैं इसमें हम देखेंगे कि लेटर एच कहाँ कहाँ पर है उसे हम कलर करेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों की प्रैक्टिस ईजिली करा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट आफ्टर एंड बिफोर लेटर। यहाँ पर हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इनका हमें आफ्टर एंड बिफोर लेटर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर है बी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बी के बिफोर क्या आता है, यानी कि बी के पहले कौन सा लेटर आता है। तो सिंपली यहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट को पढ़ सकते हैं। जैसे कि ए बी, बी के पहले हमने क्या बोला, ए बोला, यानी कि बी के पहले आता है लेटर ए। यहाँ पर हम लिखेंगे लेटर ए, फिर ए बी, बी के बाद क्या आता है सी, यहाँ पर लिख देंगे सी। इसी तरीके से यहाँ पर है जी, तो जी का बिफोर लेटर हो जाएगा एफ और इसका आफ्टर लेटर हो जाएगा एच। नेक्स्ट है लेटर एस, तो इसका बिफोर लेटर हो जाएगा आर, यहाँ पर हम लिखेंगे आर और आफ्टर हो जाएगा टी। जे, जे का बिफोर लेटर हो जाएगा आई, इसके बाद आफ्टर होगा के। फिर यहाँ पर है पी, तो पी का बिफोर लेटर हो जाएगा ओ और आफ्टर हो जाएगा क्यू। ई, ई का बिफोर लेटर होगा डी और आफ्टर हो जाएगा एफ, डी ई एफ। इस तरीके से आपको आफ्टर बिफोर लेटर की प्रैक्टिस करानी है। नेक्स्ट इज फिल द करेक्ट बिगनिंग साउंड। यहाँ पर हमें कुछ इमेजेस दी गई हैं एंड इनके वर्ड नीचे लिखे गए हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं। तो बच्चों को क्या करना है, इन इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है, इनके नेम को प्रोनाउंस करना है और इसका जो बिगनिंग साउंड है वो यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर बना हुआ है कैप, तो कैप का बिगनिंग साउंड क्या है, क, क साउंड होता है लेटर सी का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। इस तरीके से ये वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, सी ए पी कैप। फिर यहाँ पर है बुक, बुक का बिगनिंग साउंड क्या है, ब, जो कि साउंड होता है लेटर बी का, तो ये हो जाएगा बी ओ ओ के बुक। फिर एक कप, इसका बिगनिंग साउंड हो जाएगा सी, सी यू पी कप। फिर यहाँ पर है बॉल, इसका बिगनिंग साउंड हो जाएगा बी, बी ए डबल एल बॉल। कार, कार का बिगनिंग साउंड है सी, सी ए आर कार। फिर यहाँ पर है एंट,
इसका बिगनिंग साउंड हो जाएगा लेटर ए, ए एन टी एंट। फिर है पेन, इसका बिगनिंग साउंड हो जाएगा लेटर पी। बेल, बेल का बिगनिंग साउंड है बी। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों के फोनिक्स की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इस तरह की वर्कशीट आप बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। नेक्स्ट इज कलर द करेक्ट लेटर। यहाँ पर हमें एक इमेज दी गई है और नीचे कुछ अल्फाबेट्स लिखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है और इसका जो बिगनिंग लेटर है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, देन उसे कलर कर देना है। तो यहाँ पर कौन सी इमेज है, ये है फिश की इमेज और इसका बिगनिंग लेटर होता है एफ। तो यहाँ पर हम एफ को फाइंड करेंगे और उसे कलर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस सर्कल में लेटर एफ है, इसे हम कलर कर देंगे, पूरे सर्कल में फिल कर देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से यहाँ पर है लेटर एफ, इसे भी कलर करेंगे। और यहाँ पर भी है लेटर एफ, तो इस सर्कल को भी हम कलर कर देंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाकर बच्चों को दे सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये वाली वर्कशीट भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए। इससे बच्चे पिक्चर के साथ लेटर को रिलेट करके उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं और साथ में उनके फोनिक्स की भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। तो ये थी आज की इंग्लिश वर्कशीट नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।